राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के निजी अस्पतालों के डॉक्टरों को मरीजों का अच्छा और सस्ता इलाज करने की हिदायत दी है। जयपुर में RUHS अस्पताल के लोकार्पण समारोह में गहलोत ने कहा कि निजी अस्पतालों में मनमानी फीस वसूलने पर रोक लगाई जाएगी। सीएम ने बताया कि इसके लिए रेगुलेटरी बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिससे SMS जैसे बड़े अस्पतालों में मरीजों की भीड़ कम की जा सकेगी। सीएम गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने निजी अस्पतालों के संचालकों को सुझाव दिया है कि अगर कोई मरीज अस्पताल में इलाज के लिए आता है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो ऐसी सूरत में किसी भी मरीज के इलाज के लिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सीएम ने कहा कि डॉक्टरों को खुद ही अपनी फीस तय करनी चाहिए, ताकि हर तबके के लोग उनसे परामर्श ले सकें और अपना सही इलाज करवा सकें। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि आने वाले दिनों में आमजन को राइट टू हेल्थ योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसके बाद कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को अपना इलाज करवाने के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। सीएम गहलोत ने बताया कि वो भी एक डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन PMT की परीक्षा पास नहीं कर सके, नहीं तो वो भी आज मरीजों की सेवा कर रहे होते। गहलोत ने कहा कि फिलहाल वो राजनीति में रहते हुए अपना काम कर रहे हैं और डॉक्टरों के प्रोफेशन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ताकि उनके प्रदेश की जनता को कोई परेशानी ना हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।